ना अगेन आप सबका स्वागत है इन माय यूट्यूब चैनल कॉमिक्स रीडर में। इस वीडियो का अच्छे से एंजॉय करने के लिए प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं, गलतियों का ध्यान रखते हुए और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। ये WDWS कॉमिक का पार्ट टू है। पार्ट वन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देख सकते हैं। रिकैप, डॉक्टर जोशी परमाणु रिसर्च सेंटर में पहुँच चुके हैं और वहाँ धोखे से सभी वर्कर्स को भगा भी चुके हैं। अब आगे पेज नंबर 31 पे हमने छोड़ा था, वहाँ से चालू करेंगे। एक्सरेस भी रेडियो एक्टिव किरणें हैं जिन्हें पकड़कर रेडिएशन डिटेक्टर ने खतरे का अलार्म पूरे परमाणु रिएक्टर में बजाकर खलबली कर दी होगी। लीक हुए रेडिएशन का स्तर कितना है ये मापने के लिए उन्हें एंटी रेडिएशन सूट पहनकर दोबारा अंदर आने में जो वक्त लगेगा उतनी देर में मैं डॉक्टर पहले के चैम्बर में पहुंचकर अपना काम आराम से बिना किसी बाधा के पूरा कर सकता हूं। प्रभात जोशी के पास ज़्यादा वक्त तो नहीं था पर जितना था उसका वो भरपूर प्रयोग कर रहा था। डॉक्टर पहले के कंप्यूटर में फीड की हुई सारी जानकारियों को चुराकर अपने रिस्ट कंप्यूटर में फीड करने का काम, कोई भी जानकारी उसे छोड़नी नहीं थी। एंटी रेडिएशन सूट पहनकर सब लोग रेडियो एक्टिव रेज की लीकेज को ढूंढने के काम में जुट चुके हैं। ठीक से चेक करो, लीकेज यहीं हुई होगी। यहाँ पर तो सब ठीक ठाक है, सभी यंत्र ठीक से काम कर रहे हैं। मेरा डिटेक्टर यहाँ बहुत मामूली स्तर की एक्सरेस को पकड़ रहा है। एक्सरेस यहाँ पर कहाँ से आई? कहीं ये गड़बड़ जानबूझकर तो नहीं की गई, पर किसने और क्यों की गई होगी ये गड़बड़? क्योंकि गड़बड़ के वक्त पूरा स्टाफ तो एक ही जगह पर काम कर रहा था, सिर्फ एक आदमी को छोड़कर, प्रभात जोशी को, पर वो मर जा चुका है। किसी आशंका से त्रस्त डॉक्टर पहले फौरन एक तरफ भाग पड़ा, मगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो उसका कारण भी उसके पास ज़रूर होगा, और कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, स्वेट गैस का फॉर्मूला हासिल करना। और ऐसी कोशिश यहाँ आकर सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, खुद प्रभात जोशी। इसका मतलब औजार तुम्हें मार नहीं पाया? ब्लैंक। मगर वो इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होनी लिखी है। गोली प्रभात जोशी के शरीर से टकराई तो थी मगर धसी नहीं थी। कपड़े के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर भी तू मुझसे बच नहीं सकता, मैं तेरी खोपड़ी का निशाना बना सकता हूँ। ऑफ। प्रभात जोशी डॉक्टर पहले को छोड़कर तेजी से बाहर निकल गया। मेरा काम हो चुका है, मुझे जो कुछ यहाँ से चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, अब यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। मगर डॉक्टर पहले को तो उसे रोकना ही था, उसने ज़रूर मेरे कंप्यूटर की सारी जानकारियों को चुरा लिया है। अगर उसने उन जानकारियों में से स्वेट गैस के फॉर्मूले को ढूंढ लिया तो मेरी तबाही भी निश्चित है। प्रभात जोशी भागने के लिए जिन रास्तों का प्रयोग करेगा उन पर विशेष एक्सरे कैमरे लगे हैं जो मुझे उसकी टूटी हड्डियों के एक्सरे चित्र दिखाएंगे जो औजार ने तोड़ी थी। अरे इसके शरीर में नट बोल्ट्स और पेच कैसे कसे हुए हैं? टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर स्टील की रोड को ऑपरेशन करके हड्डियों के साथ फिट कर देता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, पर इतनी जल्दी टूटी हड्डियों में स्टील की रोड डलवा कर ये यहाँ भी आ गया और अब आराम से चलकर जा भी रहा है? नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा मरीज तीन चार महीनों बिस्तर से नहीं उठ पाता, कुछ और ही गड़बड़ है। मगर गड़बड़ कुछ भी हो, प्रभात जोशी एक बार बच गया था क्योंकि वो राजनगर भाग गया था, पर अब नहीं बचेगा। इस बार मैं उसे मुंबई की सरहद नहीं टापने दूंगा। फ्लेम, डॉक्टर पहले फ्लेम को कोई आदेश देकर प्रभात जोशी के खिलाफ जंग की मुहिम को तेज कर चुका था। प्रभात जोशी भी फौरन मुंबई छोड़ देने के लिए आमादा था। जल्दी चलो, पर कहाँ चलूँ साहब? प्रभात जोशी एक जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसकी निगाहें आने वाले उस खतरे पर जम चुकी थी। अब ये जहाँ जाएगा उसे टैक्सी नहीं फ्लेम पहुँचाएगा, ये तो मेरी टैक्सी को जला रहा है। ओ इसे दूर रख, अभी तो मैंने टैक्सी का लोन भी नहीं चुकाया। तूने मेरी टैक्सी का सत्यानाश कर दिया, मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा। सिर तोड़ने के लिए कोई दूसरी चीज ला। कमाल है, लोहे की लोड पिघल गई। अगर ये आग तुझे छू गई तो तू तो भस्म हो जाएगा। हट जा पीछे, मुझे अपना काम करने दे। प्रभात जोशी के लिए जलकर राख होती टैक्सी से बाहर आना जरूरी था। मेरी टैक्सी, कोई बचाओ। फ्लेम पर जिसकी नज़र पड़ जाती है उसे कोई नहीं बचा सकता, उसे राख होना ही पड़ता है। मुंबई की ज़मीन के ऊपर और आकाश के नीचे जुर्म की कोई एक चिंगारी भी उड़ती है तो जलाने के लिए उसे सबसे पहले डोगा का सीना दिखता है, जहाँ टकरा कर उसे ठंडा होना ही पड़ता है। और तू तो आग का पूरा तूफान लेकर आ गया। चल हो जाए मुकाबला, देखता हूँ कि तेरी आग में जलाने की ताकत ज़्यादा है या मेरे सीने में इस आग को ठंडा करके पचा जाने की।
डोगा की आंखों ने आज पहली बार अपनी बंदूक से निकली गोलियों की ऐसी मात देखी, मात भी देखी। हाँ, तेरे बारूद से ज़्यादा गर्मी है मेरी आग में, देख पिघल गई तेरी जलाई गोलियाँ। आग के ज़बरदस्त प्रेशर ने गोलियों की गति को रोक दिया। डोगा को उसी की गन से दूसरी गोली चलाने का फ्लेम ने कोई अवसर नहीं दिया। आया तो था एक की राख उड़ाने पर, शायद दो की उड़ानी पड़ेगी। बंदूकें तो चाहे डोगा की तुसाली रख कर राख कर दे, पर चीता तो तेरी ही राख होगी। टैक्सी में लगी आग तब तक पेट्रोल की टंकी को छू चुकी थी। पेट्रोल की टंकी में हुए उस शक्तिशाली विस्फोट ने टैक्सी के प्रकच्चे उड़ा दिए थे। प्रभात जोशी स्तब्ध खड़े ड्राइवर को खींच न लेता तो ब्लास्ट में उछलता वो जलता हुआ टायर टैक्सी ड्राइवर के शरीर के भी प्रकच्चे उड़ा देता। बचो, डोगा ने निकल कर फेंका हुआ चाकू जो टीन को भी चीरता हुआ निकल जाता, मगर फ्लेम पर डोगा का यह वार भी नहीं चला। खूब कोशिश कर ले डोगा, लड़ने के लिए मेरे जैसा दुश्मन तुझे बार बार नहीं मिलेगा। और इसने तो चाकू को भी मोम की तरह पिघला दिया। डोगा अपने दुश्मनों को बार बार लड़ने के लिए जिंदा छोड़ता भी नहीं, ले पिघला दे अब इसे भी। क्यों, खिसक गई पेटी? हाँ, मैं फुर्ती की बेल्ट लगा कर रखता हूँ डोगा, जिससे मेरी हिम्मत की पेट कभी नहीं खिसकती। ये तो पूरा शैतान निकला, मेरे बम को मेरे ही सिर पर फोड़ दिया। बम विस्फोट में उछली कार का आधा हिस्सा भी डोगा की तरह उछल पड़ा था। ओ, कार का यह टुकड़ा तो मेरा कचूबर निकाल देगा। मगर प्रभात जोशी नाम के उस इंसान की शारीरिक ताकत ने डोगा को भी स्तब्ध कर दिया। इसने तो तीव्र गति से उछल कर आते आधी कार के टुकड़े को अपने शरीर से ऐसे टकरा लेने दिया जैसे ये कोई कागज़ का हवाई जहाज हो। ये बचेगा नहीं, इसे ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे बच गया, ओ नहीं, हट जाओ, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे। हट जाओ इसकी आग के आगे से। मगर अब तो देर हो चुकी थी, प्रभात का पूरा जिस्म आग के लपटों में घिर चुका था। नहीं, मैं इसे जलने नहीं दूंगा। प्रभात के जिस्म में मांस गलकर लोहड़े के रूप में नीचे टपकने लगा। जलते मांस की दुर्गंध ने डोगा की खोपड़ी भी भक्क से उड़ा दी थी। उफ, कैसा इंसान है ये, आग की लपटों में भी चीख नहीं रहा, दर्द नहीं हो रहा है इसे। हाँ, एक तो गया, मांस गल गया, लेकिन नीचे जो ढांचा नज़र आया वो हड्डियों का नहीं बल्कि स्टील का था। ओनली स्टील, स्टील की बॉडी, ऐसी बॉडी तो सिर्फ एक ही है अक्का दुनिया में, इंस्पेक्टर स्टील की। शेर चीतों की खाल पहनते हुए तो सुना था, पर इंस्पेक्टर स्टील आदमी की खाल पहन कर मुंबई में क्यों आया हुआ है? और उसने कार्बन डाइऑक्साइड की फोम का प्रयोग करके आग बुझा ली, तभी तो मैं कहूँ कि कंबक को जलने का दर्द क्यों नहीं हो रहा। इस समझ में आई बात, क्या कहा था दोने, एक तो गया, अब सिर्फ तू जाएगा, वो भी जेल। एकाएक भभक उठी उस कार ने डोगा के का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओ, कार पार्किंग में सभी कारें एक दूसरे से ज़्यादा फासलों पर नहीं खड़ी है, मुझे इस जल्दी कार को यहाँ से दूर करना होगा, वरना बाकी कारें भी उसकी चपेट में आ जाएंगी। फ्लेम भी हैरान था स्टील का ये रूप देखकर। तू भले ही फौलाद का ही क्यों न बना हो, पर आग तो हर चीज़ को राग बना सकती है। मैं इसकी फ्लेम की ताकत को और बढ़ा देता हूँ ताकि ये तेरे फौलादी ढांचे में भी छेद कर सके। अगर ख़त्म करना होता तो स्टील के लिए बहुत आसान होता फ्लेम को ख़त्म करना, लेकिन ये उसके उसूलों और कानूनों के खिलाफ था। मगर फ्लेम के हाथों में फ्लेम टॉर्च के रहते ये ज़रा मुश्किल काम था। दूसरी ओर डोगा था, जो फ्लेम की चिता बिना लकड़ियों के ही जलाने का ख्वाहिशमंद था। बेटे, फ्लेम तेरी ताकत के आगे और डोगा तुझे आग से ही मारेगा। डोगा ने कार को फ्लेम की तरफ धकेल दिया। जल्दी कार तो गई तेरी ओर, बस अब एक और चाकू तेरे नाम का जो तेरी पीठ पर जड़े गैस सिलेंडर के पाइप को काटता हुआ निकल जाएगा। अरे टॉर्च बुझ गई, अब तू भी बुझ जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि जो गैस पाइपों के कटने से फैली है वो ज्वलनशील है। फिल्म की चीखें दूर तक गूंजी थी। इंस्पेक्टर स्टील को डोगा की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहता था। ये तुम्हारा राजनगर नहीं है प्यारे लाल, ये मुंबई है, डोगा की मुंबई, और डोगा मुंबई का बाप है। बाप इन मायनों में कि डोगा कानून तोड़कर कानून की हिफाजत करता है। नहीं समझा, अक्का मुंबई की धरती को अपने बच्चे की माफिक प्यार करता है डोगा। बच्चे को कोई चोट लगती है तो बाप का सीना छलनी हो जाता है, वो उसे के इलाज के लिए भाग पड़ता है और चाहता है कि बीमारी जड़ से खत्म हो, बच्चे को कभी दर्द ना हो। अपुन भी ऐसा ही चाहता है, डोगा भी यही चाहता है। स्टील, डोगा ने उसे मारकर अपने बच्चे के दर्द का इलाज किया है हमेशा के लिए, तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है?
और कानून का पाठ पढ़ाने और दूसरों को भी पढ़ाने वाला लोहे का यह मजबूत पुतला किसी इंसान की खाल को भेड़ बकरियों की खाल की तरह ओढ़कर चोरी छिपे मुंबई में क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा था एक बलिदान को व्यर्थ जाने से बचाने की। हाँ डोगा, मेरे जिस्म पर तुमने जो देखी वो सिर्फ इंसानी किसी इंसान की खाल नहीं थी, वो एक बलिदान था, जिसके विषय में प्रभात जोशी के मुंह से सुनकर मैं खुद उस वक्त हक्का बक्का खड़ा रह गया था। शायद तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूँ स्टील, सिर्फ यही एक रास्ता है। मेरी त्वचा अपने शरीर पर ट्रांसप्लांट करके तुम प्रभात जोशी बनकर परमाणु रिएक्टर में जाओ, और ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा सारा शरीर स्टील का बना है पर मस्तिष्क असली है। जब एक जिंदा मस्तिष्क एक फौलादी शरीर का हिस्सा बन सकता है तो फिर मेरी त्वचा क्यों नहीं? मगर यह मानवता और कानून के खिलाफ होगा कि मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हारी खाल उतार कर अपने शरीर में ट्रांसप्लांट कर लूँ, यह नहीं हो सकता। जल्दी चिता में राख हो जाएगी तो इस खाल को अपने वतन की भेजी लानत भी तो झेलनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर स्टील, क्या वो मानवता होगी? इस खाल को राख होना ही है, यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे मेरे शरीर के साथ राख करो या अपने शरीर से अलग करने के बाद। उसके बाद प्रभात जोशी कोमा में चला गया, मुझे मानवता, कानून, इंसाफ, फ़र्ज और कर्तव्य की कशमकश में छोड़कर। लेकिन आखिर मैंने फ़र्ज और कर्तव्य के लिए मानवता को चुनौती दे डाली। मैंने प्रभात जोशी बनना स्वीकार कर लिया। डॉक्टर निस ने ही मुझे बनाया था और उस दिन उसने प्रभात जोशी की त्वचा मेरे शरीर पर ट्रांसप्लांट करके मुझे प्रभात जोशी का रूप दे दिया। इंस्पेक्टर स्टील डोगा को वह उद्देश्य भी बताता चला गया जिसके लिए उसे प्रभात जोशी बनने की जरूरत पड़ी। और अगर प्रभात जोशी मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर ही पता देता तो अब तक मैं डॉक्टर प्रलय का सफाया कर चुका होता। माफ़ करना इंस्पेक्टर स्टील, मैं तो समझा था कि लोहे के तुम्हारे शरीर में दिल भी फौलाद का होगा, जहाँ जज्बात भावना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, पर मैं गलत समझ गया। तुमने एक मरते हुए इंसान की भावनाओं की कद्र की, ये जानकर डोगा का तुम्हारे प्रति सम्मान और बढ़ गया। पर अब देर किस बात की है, डॉक्टर प्रलय जैसे देशद्रोही को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उस स्वेटगन का स्वाद मैं चख चुका हूँ। नहीं अभी मैंने उससे उसके पूरे परमाणु कार्यक्रम की उसके कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर पर कॉपी की है। अब परमाणु कार्यक्रम में से स्वेट गैस के फॉर्मूले को अभी मुझे अलग करना है, ताकि मुझे सबूत के साथ ही मैं डॉक्टर प्रलय का राज फाश कर सकूं, और उसके लिए मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत है। आओ मेरे साथ। इंस्पेक्टर स्टील डोगा को लेकर उस सुनसान स्थान पर पहुंचा। ये मेरा विशेष हेलीकॉप्टर है डोगा, मैं इसी से मुंबई पहुंचा हूं, इसमें कंप्यूटर भी है। मैं डॉक्टर प्रलय के कंप्यूटर से रिकॉर्ड की हुई सारी जानकारी का बारीकी से निरीक्षण करूंगा, और मुझे इस पूरे कार्यक्रम को रीड करने में मुश्किल से 2 मिनट का ही समय लगेगा। मिल गया, मैंने वो फॉर्मूला ढूँढ लिया, ये कोडवर्ड में दर्ज है। लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता भरी हुई है कि मैं इस तरीके में से लिखे कोडवर्ड को भी हल कर सकता हूँ। जल्दी ही मैं कोडवर्ड हल करने में कामयाब हो गया। अब डॉक्टर पहले कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। पहले तुम दोनों तो हमारे शिकंजे से बच लो। ओह, मैंने तुझे वेल्ड करने आया हूँ इंस्पेक्टर स्टील, वेल्डर कहते हैं मुझे इलेक्ट्रिक कहते हैं डोगा। तेरे खून का दौरा तुझे करंट लगाकर इतना तेज कर दूंगा डोगा कि तेरा सारा खून नसों को फाड़ कर बाहर आ जाएगा। भारी भरकम स्टील एकदम से खड़ा भी नहीं हो पाया, और डॉक्टर पिले के खिलाफ जो जानकारियां तुझे मिल गई है वो भी तेरे शरीर के साथ ही वेल्ड हो जाएंगी। इसने मेरे प्राण की उंगलियों के ज्वाइंट वेल्ड कर दिए, मुझे फौरन उठकर खड़ा होना होगा। मैंने सुना है डोगा कि तू चीखता नहीं है, तू चीख या मत चीख मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी आत्मा तेरे शरीर से जुदा होकर जरूर चीखेगी और तड़पेगी कि आज इलेक्ट्रा ने उसे तेरे इरादों के फौलाद से कठोर हुए शरीर के बाहर कर दिया। हा हा हा। उधर स्टील पर वेल्डर भारी पड़ रहा था और इधर मुझ पर इलेक्ट्रा। अगर हो सके तो ऐसा हो सकता है इंस्पेक्टर स्टील, दुश्मन बदल लो, क्योंकि वेल्डर मुझे वेल्ड नहीं कर सकता और इलेक्ट्रा तुझे करंट नहीं लगा सकता। मैं तुम्हें दुश्मन बदलने का मौका नहीं दूंगा डोगा। तूने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मेरे इरादों की मजबूती देखना चाहता है इलेक्ट्रा, तो देख, ये देख, मैंने खुद पकड़ ली बिजली को।
और ये मेरे इरादों की ताकत है। बिजली के झटके सहते हुए भी मैं तुझे उठाकर इंस्पेक्टर स्टील की तरफ फेंक रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर को वेल्ड करके जाम कर दिया है तूने। मेरा ये इकलौता हाथ जो वेल्ड होने से बच गया है, तुझे डोगा के हवाले कर दे रहा है। वेल्डर चला इलेक्ट्रा, मुझे करंट लगा। और तू चल उठ वेल्डर, कर सकता है तो कर दे डोगा के जोड़ों को वेल्ड, वरना मैं बिना वेल्डिंग रोड के ही तेरे जोड़ वेल्ड कर दूंगा। तू नहीं कर पाएगा वेल्डर, अब देख मैं करता हूँ। ये हुआ तेरा एक घुटना वेल्ड, भट्टाक तड़ाक। एक घुटना वेल्ड होते ही चीख पड़ा वेल्डर, अरे अभी तो मुझे तेरा पूरा शरीर वेल्ड करना है, और ये डोगा की वेल्डिंग है जो तेरे जोड़ कभी खुलने नहीं देगी। एक एक जोड़ जाम कर दिया कर दूंगा वेल्डर, एक एक जोड़। हाँ मुझे छोड़ दो, मैं वेल्डिंग का धंधा छोड़ दूंगा डोगा। तुझसे भी बड़ा तेरा बाप वेल्डर तुझे सामने पड़ गया तो वेल्डिंग छोड़ने की बात करता है, अरे अब तो मैं तेरी ज़िंदगी को ही वेल्ड कर दूंगा। इंस्पेक्टर स्टील पर इतना करंट बरसा या इलेक्ट्रा ने कि डायनामो के ने बिजली बनाना ही बंद कर दी। सारा सर्किट फूक गया और करंट पैदा नहीं हो रहा, पर तू तो हिल भी नहीं सकता। तू मुझे कैसे पकड़ेगा स्टील, मैं तो भाग जाऊंगा। तुझे पकड़ने के लिए मुझे हिलने की नहीं, अपना शरीर हिलाकर तेरे ऊपर गिराने की ज़रूरत है। दिखा देना अपनी कानूनपंती। इलेक्ट्रा को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए भी तुम उसके शरीर पर नहीं गिरे, सिर्फ टांगों पर गिरे ताकि ये मरे भी ना और तुम और वो भाग भी ना सके। मुझे बचाओ, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। पर मैं पहले ही तुम्हें समझा चुका हूँ इंस्पेक्टर स्टील की ये मुंबई है, डोगा की मुंबई। डोगा ऐसे कमीनों को जीने के लिए सांसें लेने की परमिशन नहीं देता, वो समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। डोगा की एक ठोकर ने इलेक्ट्रा के सारे दांत समेट कर उसके पेट में और आत्मा लपेट कर आकाश में भेज दी। स्टील को निसंदेह डोगा की यह दरिंदगी नागवार गुजरी थी, पर वो करता भी क्या, तुम्हारे जोड़ कैसे खुलेंगे, वरना यही पड़े पड़े जंग लग जाएगा फर्ज की इस मशीन को। जैसे लगे हैं वैसे ही खुलेंगे। साफ साफ समझाओ भैया, अपुन समझने और समझाने के लिए दिमाग का कम और बंदूक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तुमने लोहे के ग्रिल बनाने वाले वेल्डरों को देखा होगा, कोई भी वेल्डर किसी भी जोड़ को वेल्ड करने या उसे काटने के लिए भी वेल्डिंग रोड का ही प्रयोग करता है। समझ गया, तुम्हारे जोड़ जो वेल्ड कर दिए गए हैं इसी मशीन से ही खुलेंगे। डोगा एक एक कर स्टील के सभी जोड़ पर लगी वेल्डिंग को काटता चला गया। तुमने दुश्मन बदलने की सलाह देकर अकलमंदी दिखाई डोगा। मैं तो कहता हूँ कि अपने इरादे भी बदल डालो। इंसानों की बोटियाँ खाने वाले ये अपराधी जेल की रोटियाँ खाकर कभी नहीं सुधरते, इन्हें सुधारती है दहशत। इनके दिलों में अपने नाम की दहशत भर दो स्टील, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर प्रलय तुम्हारे शरीर में इतनी स्वेट गैस भर देगा कि तुम्हारी सारी दहशत अपनी ज़िंदगी बचाने में ही खर्च हो जाएगी डोगा। और इस बार तुम्हारी नासिकाओं में लगे फिल्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले मैं उन्हें क्षतिग्रस्त कर दूंगा। जिंदा रहने के लिए मैं सांस नहीं लेता, मुझ पर तेरी इस गैस का असर नहीं होगा। तेरा खेल खत्म हो गया डॉक्टर प्रलय, मेरे आगे से हट जाओ स्टील। मुझे बचाने के लिए तुम्हारे शरीर के कवच की ज़रूरत नहीं। चला लेने दो इसे गन और देख लेने दो अपनी छोड़ी स्वेट गैस का अंजाम। चला डॉक्टर प्रलय, चला गन, छोड़ मुझ पर स्वेट गैस। बहुत सीना तान रहा है मेरे सामने, अब न सीना रहेगा और न तेरी हड्डियाँ। हकड़ी हेकड़ी जबड़े भीग गए थे डोगा के, अपने जीते जी ना तू मेरा सीना तोड़ पाएगा और ना मेरी हेकड़ी डॉक्टर प्रलय, क्योंकि तेरे जैसे देश के गद्दारों को खत्म करने के लिए ही मुझे इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। अगर ये सीना ना हो तो आक्रोश कहाँ पैदा होगा जो बिजली बनकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर गिरता है। ये हेकड़ी ना हो तो मुंबई के बदमाशों को कानून कौन सिखाएगा। भट्टाक, तूने तो कहावत सुनी होगी डॉक्टर पहले कि जो दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसमें ही गिर जाता है। आज वो कहावत तुझ पर ही भी लागू होगी। इस स्वेट गैस की बदौलत तूने अपने लिए सोने चांदी का महल और सुख का बिस्तर खरीदने की ख्वाहिश की, अब यह स्वेट गैस तुझे ले जाकर नरक में बिस्तर पर लेटाएगी। डॉक्टर पेले का पूरा शरीर पसीने पसीने होता चला गया। नहीं डोगा नहीं, मैं गड्ढे में गिरने वालों में से नहीं हूँ। मैंने इस गैस के बचाव का फॉर्मूला भी साथ साथ ही बना लिया था। ये टेबलेट है इस गैस की काट। ये टेबलेट तू नहीं खाएगा डॉक्टर पेले, तू खाएगा सिर्फ गोली या गोली। देखते ही देखते डॉक्टर पेले का शरीर कंकाल में बदलता चला गया। डोगा चकरा कर गिर पड़ा
मुंह खोलो, इस टेबलेट की ज़रूरत तुम्हें फ़ौरन है। मैं जानता हूँ कि तुमने सांस रोककर स्वेट गैस को अंदर जाने से रोका हुआ है, पर फिर भी कुछ ना कुछ मात्रा तो तुम्हारे शरीर में गई ही होगी। कमाल के जीवट हो तुम भी डोगा। जानबूझकर मौत के आगे सीना तान कर खड़े होने की क्या ज़रूरत थी इंस्पेक्टर स्टील? मौत तो जीवन में एक बार ही आनी है, वह जब आएगी तो कोई नहीं बच पाएगा, और अगर बचना लिखा है तो कोई मार नहीं पाएगा। अच्छा डोगा, चलता हूँ। प्रभात जोशी ने बलिदान देने से पहले वचन लिया था कि डॉक्टर प्रलय की बर्बादी से पहले उसका अंतिम संस्कार करूँ। राजनगर पहुंचकर सबसे पहले प्रभात जोशी की चिता को अग्नि मुझे ही देनी है। श्रद्धांजलि के 2 फूल मेरी तरफ से भी चढ़ा देना उस महान हस्ती को जो अपना सर्वस्व कुर्बान कर देश पर न्यौछावर हो गया। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड कमेंट्स ऑन माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। अगले वीडियो के लिए बाय बाय।